प्रदेश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल व गैस टंकी के दामों को लेकर कांग्रेस विधायकों ने सोमवार को एक बार फिर मैदान संभाला। लगातार हो रही मूल्य वृद्धि के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने साइकिल चलाई और विधानसभा का रुख किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए ये खास रिपोर्ट। 2014 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी का नारा था, बहुत ही महंगाई की मार, अब मोदी सरकार। तब 50-55 रुपये डीजल पेट्रोल था, रसोई गैस 400 और इंटरनेशनल मार्केट में $112 रेट था क्रूड ऑयल। आज है $51, ₹100 पेट्रोल डीजल बिक रहा है, बहुत ही महंगाई की मार, अब काहे की मोदी सरकार। और शिवराज जी मनमोहन जी की सरकार के समय साइकिल पे चलते थे, आज हम साइकिल आइए साइकिल पे। महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, 7 साल में नारा बदला, बहुत हुई महंगाई की मार, अब क्यों चले मोदी सरकार। 30 रुपये के पेट्रोल का क्या हुआ, 200 रुपये की टंकी का क्या हुआ, क्या हुआ महंगाई की दर बढ़ने का। 70 साल में जो महंगाई कांग्रेस के राज को आप डायन कहते थे, 7 साल में 6 साल में आपने इतनी क्यों बढ़ा दी, देश पूछ रहा है। तो धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं हमारे बस का नहीं है, असहाय हैं। तो असहाय लोग कुर्सी पे क्यों हैं, कुर्सी छोड़ो जनता आती है। सरकार से देश के अंदर जब पेट्रोल की कीमत 65 थी, 50 रुपये डीजल थी, तो सरकार में मुख्यमंत्री शिवराज जी और इनके मंत्री साइकिल चलाते थे। आज पेट्रोल 100 पहुंच चुका है, डीजल 90 पहुंच चुका है और सरकार इसे विकास कह रही है। इनका विकास पागल हो गया, इसको रोकने का आग्रह है। और जो महंगाई इनको डायन दिखती थी वो आज इनकी तरीके में डार्लिंग हो गई है। मेरा आग्रह है कि इस पागल विकास को रोके, जनता को राहत दे। देखिए सच्चाई तो ये है कि जब से इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने इस देश के, तब से पूरा देश अस्त व्यस्त की स्थिति में, चाहे महंगाई की बात हो, डीजल पेट्रोल की बात हो, किसानों के मुद्दे हों, ये सब नरेंद्र मोदी जब से इस देश के प्रधानमंत्री, पूरा देश अव्यवस्थित हो चुका है और ये पूरा देश इसको मॉनिटरिंग कर रहा है। निश्चित तौर पर उनको घेरने का काम कांग्रेस करेगी, चाहे वो मंत्री हों। और दूसरा, वैसे कई कुछ लोगों को तो जनता ने घेर लिया है, लेकिन कुछ सत्ता और पैसे की दम पर यहाँ चुन के आ गए हैं, यहाँ सदन में घेरने का काम पूरा कांग्रेस और विपक्ष। समय मुद्दे तो अनेक हैं, सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई का है, पूरे देश में जो डीजल और पेट्रोल की जो असीमित वृद्धि हुई है। किसान इस समय पूरे बॉर्डर पर पड़ा हुआ है, 200 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं। तो मुद्दे तो अनेक हैं, अब सदन में जैसे जैसे डिस्कशन होगा उस हिसाब से। नहीं, मुद्दे वही है और सारे मुद्दों पर पार्टी का फोकस रहेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा जो मुंह बाहर खड़ा है आप सबके सामने, उसमें आप सब भी शामिल हो। महंगाई के मार से किस तरह त्रस्त है जनता, चाहे वो आम गरीब हो, नौजवान हो, किसान हो, कौन आप बताओ ना, कौन परेशान नहीं है इस महंगाई की मार से। 80 रुपये किलो खाद्य तेल बिकने वाला 150 बिक रहा है। जब इन्होंने कमलनाथ जी की सरकार गिराई उस समय डीजल का क्या भाव था, आज डीजल का क्या भाव है, पेट्रोल का क्या भाव है, खाद तेल के क्या भाव है, किसान को मिलने वाले खाद की क्या स्थिति है। हर तरफ चौतरफा ये सरकार घिरी हुई है, असफल है और कहीं से कहीं तक इस सरकार को जनता भी बख्शने के मूड में नहीं है। ये अभी इनने जोड़ तोड़ करके भले सरकार बना ली हो, लेकिन जनता इसको छोड़ने वाली नहीं है।